नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हरियाणा जीके की जो वीडियो है वो शुरू की हुई है आपके लिए। तो इससे पहले हमारे जो पांच जो वीडियोस हैं आ चुकी हैं, तो आज हमारी जो वीडियो रहेगी उसका नंबर रहेगा 6। तो 6 नंबर वीडियो आज आपके लिए लेके आए हम, जिसका नाम रहेगा दोस्तों हरियाणा के पर्यटन स्थल, मतलब कि जो टूरिज्म प्लेस है हरियाणा के अंदर वो कहाँ कहाँ पर है, हर जिले की बात करेंगे। तो जुड़े रहे और देखते रहे आज हमारे साथ इंडियन मैप 365 के अंदर हरियाणा जीके विद विकास कुमार, और टॉपिक का नाम रहेगा दोस्तों हरियाणा के पर्यटन स्थल। तो हरियाणा के पर्यटन स्थल की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों हरियाणा के पर्यटन स्थल की बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हरियाणा का मानचित्र ड्रा करेंगे। हरियाणा के मानचित्र के बाद हम क्या करने वाले हैं, उन जिलों को यहाँ पे क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, और जिलों के बाद हर जिले में कौन कौन सा पर्यटन स्थल आता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ड्रा करेंगे हरियाणा का मानचित्र, ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारे सामने हरियाणा का मानचित्र दोस्तों। इस मानचित्र में हम ये बात करेंगे कि हरियाणा का जिला कहाँ पर, पहले जो हरियाणा के जिले रहेंगे 22 जिले उनको इंडिकेट कर लेते हैं। उन 22 जिलों के बाद दोस्तों क्या काम करेंगे, उन जिलों के अंदर कौन कौन सा पर्यटन स्थल जो स्थित है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाला जो पोस्टर है हमारा, ये वाला, इसको बोलते हैं पंचकुला, ठीक है। पंचकुला के बाद दोस्तों यहां रहेगा हमारा अंबाला, कुछ ये वाला क्वेश्चन रहता है दोस्तों हमारा यमुनानगर का। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हरियाणा के जिले की, कौन सा जिला कहां पर स्थित है। तो यहां रहेगा हमारा हरियाणा का पंचकुला, कुछ यहां रहता है हमारा अंबाला, और ये वाला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा यमुनानगर का। उसके बाद दोस्तों हमारा ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा करनाल का। करनाल के बाद दोस्तों पानीपत, फिर हमारा रहेगा यहाँ पे सोनीपत, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा फरीदाबाद, फिर यहाँ पे पलवल, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन रहेगा नू मेवात का। यहां बात कर लेते हैं, ये रहेगा कुछ रेवाड़ी का, ये वाला दोस्तों महेंद्रगढ़ का। उसके बाद दोस्तों महेंद्रगढ़ के बाद कुछ यहां पे रहता हमारा चरखी दादरी, सीईडी से रिलेट कर रहा हूँ चरखी दादरी को। चरखी दादरी के बाद दोस्तों जहां से चरखी दादरी अलग हुआ भिवाड़ी, भिवाड़ी के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे आ गया हिसार, हिसार के बाद दोस्तों ये रहेगा पश्चिम में सिरसा जिला, और यहां पे कुछ रहता हमारा फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद दोस्तों हमारा यहां गुरुग्राम, फिर यहां पे रहेगा हमारा झज्जर, झज्जर के बाद हमारे यहाँ रहेगा रोहतक, रोहतक के बाद दोस्तों ये वाला क्वेश्चन रहेगा हमारा जींद, जींद के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे कैथल, और कैथल के बाद केयू के मतलब की कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो ये थे हमारे हरियाणा के 22 जिले दोस्तों। उसके बाद अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें, ये हमारा दिल्ली हो गया, और उसके बाद यहां रहता है कुछ हमारा चंडीगढ़, CHANDI चंडीगढ़, ठीक है। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक था दोस्तों वो ये था कि हरियाणा के पर्यटन स्थल, ठीक है। हरियाणा के पर्यटन स्थल की बात करें तो दोस्तों जिस समय हमारा हरियाणा बना था ना, उस समय कितने पर्यटन स्थल थे, उस समय 0 थे, ठीक है। ये कह सकते हैं कि जिस समय हमारा हरियाणा बना था दोस्तों, उस समय हरियाणा के जो पर्यटन स्थल थे ना, 1966 की बात कर रहा हूं, तो उस समय हम ये कह सकते हैं कि 0 पर्यटन स्थल थे। लेकिन जैसे जैसे हरियाणा डेवलप हुआ, और अगर हम वर्तमान की बात करें, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें दोस्तों, अगर वर्तमान की बात करें यहाँ पे, तो लगभग हम बात कर सकते हैं 44, ठीक है। लगभग बताओगे, ये आंकड़ा जो है ये ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग बताया मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली कितना हो सकता है 44, मतलब की 44 जो है हमारे क्या है पर्यटन स्थल है जो प्रेजेंट के अंदर, वर्तमान के अंदर, ठीक है। फिर क्वेश्चन यहां से नहीं निकलता दोस्तों,
कि हरियाणा की जो पर्यटन स्थल है किस दिन मनाया जाता है। बहुत बार पूछा कि कुछ नहीं आप कौन सा दोस्तों कि जो हरियाणा में पर्यटन स्थल जो है कब मनाया जाता है। हरियाणा की बात करें दोस्तों, हरियाणा में पर्यटन स्थल पर्यटन दिवस तो ये बनाया जाता है दोस्तों 1 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को। ठीक है, ये तो हरियाणा का। अगर पूछे दोस्तों विश्व के अंदर, अगर पूछे विश्व में तो क्या रहेगा, तो रहेगा मेरे दोस्तों 27 सितंबर। ठीक है, दो क्वेश्चन निकल गए यहां से। क्या अगर हरियाणा में पूछे पर्यटन स्थल तो रहेगा 1 सितंबर का, अगर पूछे विश्व के अंदर तो रहेगा 27 सितंबर का। तो ये बात यहां तक क्लियर हुई डाटा। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है क्या कि जो हरियाणा का जो पर्यटन स्थल है, जो पर्यटन है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन हो। हरियाणा के वर्तमान के अंदर ब्रांड एम्बेसडर किस चीज के, पर्यटन के। तो ब्रांड एम्बेसडर से बहुत कुछ आता है, इसके रहेंगे दोस्तों धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या बताया आपको, पहले तो ये बताया कि पर्यटन स्थल कितने हैं 44, फिर मैंने बताया कि हरियाणा के अंदर पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है तो 1 सितंबर को, फिर पूछे विश्व के अंदर कब मनाया जाता है तो दोस्तों रहेगा हमारा 27 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया आपको कि ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा के अंदर हर एक पार्टी का, कह सकते हैं कि हर एक विभाग का ब्रांड एम्बेसडर होता है, और वो किसको नियुक्त किया गया है, धर्मेंद्र को और हेमा मालिनी को। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन मैंने बताया आपको, होप आपको समझ में आया होगा। अब हम ये बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि कौन से जिले में कौन कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है, या फिर कब उनकी जो है मतलब की डिस्कवरी हुई, या फिर कब वो अस्तित्व में आया, उसकी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, आप इस वाले डाटा को नोट कीजिए, और इस वाले डाटा से एक बात मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ क्या, कि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पर्यटन विभाग है वो किस मंत्रालय या फिर किस मंत्री के अंदर दिया गया। तो याद रखना दोस्तों, चाहे तो पूछे आपसे वन, चाहे पूछे आपसे वन का, चाहे पर्यटन का, चाहे वन का, चाहे पर्यटन का, चाहे शिक्षा, ये सभी के सभी जो मतलब की मंत्रालय होते हैं ये किसके अंदर आते हैं, शिक्षा मंत्रालय। मतलब की शिक्षा मंत्री कौन है हरियाणा में, वर्तमान में शिक्षा मंत्री है दोस्तों कंवरपाल गुर्जर जी। ठीक है, कंवरपाल गुर्जर जी, इनके अंदर कौन सा आता है विभाग, वन विभाग कह लो, पर्यटन कह लो, शिक्षा, ये सभी सभी विभाग जो है किसके अंदर है, ये जो कि प्रेजेंट में हमारे शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर जी। ठीक है, इससे पहले भी कौन थे, इससे पहले आप कौन थे बताइए। आप एक काम करना, इससे जो पहले थे ना उसका जो आंसर है ना कमेंट बॉक्स में बताइए हमारे को, कि इससे पहले जो मतलब कि 13वीं जो विधानसभा हुई थी, जो 13वीं विधानसभा हुई थी उसके अंदर हरियाणा के शिक्षा मंत्री और हरियाणा के जो पर्यटन मंत्री थे कौन थे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक जो डाटा मैंने आपको बताया होप आपको समझ में आया होगा। आप इसे क्या काम कीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे क्या कीजिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद क्या करते हैं आप अपने आगे की तरफ। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हरियाणा में कहां कहां पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है। तो सबसे पहले बात करेंगे यमुनानगर से, यमुनानगर से शुरू करेंगे यहां से होते हुए और यहां पर आगे समाप्त करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यमुनानगर में यही करवा दें, आप यहाँ करवा देते हैं, एक आप करते हैं वहां से जिला उठाते हैं, यहाँ से जिला यहाँ लेके आते हैं, उसके बाद में यहाँ बात करेंगे। ठीक रहेंगे ना ये बड़ा, तो क्या करते हैं सबसे पहले यमुनानगर। तो दोस्तों यमुनानगर में कौन कौन से जो पर्यटन स्थल रहेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पे देखिए नंबर वन रहेगा हमारा हथनी कुंड बैराज। ठीक है, हथनी कुंड पर्यटन स्थल, उसके बाद दोस्तों हथनी कुंड के बाद इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है, इसको किस अन्य, इसे मछलियों का स्वर्ग, इसे मछलियों का स्वर्ग भी बोला जाता है। उसके बाद क्या क्वेश्चन बनता है यहां से, नंबर वन ये रहा, नंबर टू ताजे वाला पर्यटन स्थल, तो ताजे वाला पर्यटन स्थल, उसके बाद दोस्तों ताजे वाला से कुछ नहीं निकलता है कि पश्चिमी यमुना नहर कहां से निकलती है, पश्चिमी यमुना नहर कहां से निकलती है, तो ताजे वाला नाम जगह से क्या करती है, पश्चिमी यमुना नहर जो है वो निकलती है। आपको पता होगा कुछ ये बड़ा जो क्वेश्चन होता है यहाँ पर बहती है हमारी यमुना नहर, क्योंकि जो यमुना नदी है ना, जो यमुना नहर है, यमुना नदी है, वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा को क्या करती है, अलग करती है। क्वेश्चन आता है बड़ी बड़ा कि कौन सी जो नदी है, कौन सी नहर जो है वो यूपी को और हरियाणा को अलग करती है, तो कौन सी रहेगी, वो यमुना नहर। ठीक है दोस्तों, ताजे वाला की बात क्वेश्चन आते आते हैं, यहां पर नंबर 3 लिखिए कालेसर,
पर्यटन स्थल? और ये जो कालेसर पर्यटन स्थल है इसको शांति का प्रतीक कहा गया है। क्या? इस वाले पर्यटन स्थल को शांति का पर्यटन स्थल भी कहा गया है। तो यहां से मैंने आपको तीन बातें बताई दोस्तों, एक तो हथनीकुंड पर्यटन स्थल, एक ताजे वाला पर्यटन स्थल, एक कालेसर पर्यटन स्थल। ये तीन पर्यटन स्थल जो रहेंगे हमारे कहां रहेंगे? यमुनानगर में रहेंगे। और यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली सकता है यमुनानगर से, ठीक है। और खासकर ताजे वाला, ताजे वाले से क्वेश्चन निकलता है कि पूर्वी हरियाणा के अंदर कौन सा गांव स्थित है, पूर्वी हरियाणा के अंदर कौन सा गांव स्थित है, तो ताजे वाला गांव रहेगा हमारा हरियाणा में। क्या? ताजे वाला, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे हम, नंबर वन बात हो चुकी है किसकी? यमुनानगर की। अब बात कर लेते हैं किसकी? अंबाला की। तो अंबाला में एक ही रहेगा, यहां बता देता हूं, अंबाला में एक रहेगा दोस्तों, कौन सा? किंगफिशर, ठीक है, किंगफिशर पर्यटन स्थल। अंबाला के अंदर कौन सा रहेगा? किंगफिशर पर्यटन स्थल अंबाला के अंदर है, ठीक है। तो यहां मैंने आपको दो जिलों के बारे में बताया, आप एक काम कीजिए दो जिलों को नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नंबर थ्री की तरफ, पंचकुला की तरफ दोस्तों। अब बात करते हैं पंचकुला की। तो पंचकुला से देखो यहां से क्वेश्चन कौन सा रिपीट होता है, पहले लिख लेते हैं यहां पे पंचकुला। तो पंचकुला से दोस्तों नंबर वन क्वेश्चन क्या आएगा कि यहां पर मोरनी की हिल्स, मोरनी की हिल्स मतलब कि मोरनी की पहाड़ियां, ठीक है। तो मोरनी की हिल्स कहां स्थित है? पंचकुला में स्थित है। मोरनी की हिल्स से क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? ये क्वेश्चन बनेगा कि टांगरी जो नदी निकलती है, टांगरी जो नदी निकलती है वो किस पहाड़ी से निकलती है? मोरनी की, मतलब कि जो टांगरी की नदी निकलती है वो कहां से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछता है, एसएससी एवर पूछा था कि जो मोरनी की जो पहाड़ियां हैं या फिर जो मोरनी की पहाड़ियां हैं, मोरनी की जो हिल्स है उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? रहेगी 1214 मीटर, उसकी जो ऊंचाई रहेगी 1214 मीटर, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन और पूछ लेता है एसएससी, एक क्वेश्चन और पूछता है करो चोटी, अगर पूछे करो चोटी की ऊंचाई कितनी रहेगी तो 1516 मीटर, ठीक है। अगर पूछे टांगरी तो 1214 मीटर, अगर करो पूछे तो 1516। यहां पर कंफर्म करना, आप काम करना, यहां पे कंफर्म करना है क्या 1516 है या फिर उसका डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, मैक्सिमम इसका 1516 आंसर आएगा। अगर फिर भी आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मोरनी की हिल्स के बाद क्वेश्चन क्या बनता है? मोरनी की हिल्स के बाद क्वेश्चन यहां से सेकंड नंबर जो रहेगा वो ये रहेगा, रेड विश्व। क्या? रेड विश्व पर्यटन स्थल। तो रेड विश्व पर्यटन स्थल और कौन सा? मोरनी की हिल्स। और क्या सकते हैं यहां से? और पंचकुला से देखिए क्या क्वेश्चन आ सकता है यहां पे, पंचकुला में और क्या पर्यटन स्थल हो सकते हैं? यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली सकता है दोस्तों मोरनी की हिल से, ठीक है, मोरनी की हिल से। उसके बाद बात करेंगे हम यहां पे कुरुक्षेत्र की, यहां बात करेंगे हम दोस्तों कुरुक्षेत्र की, लेकिन क्या काम कीजिए कुरुक्षेत्र से पहले आप ये वाला जो डाटा है वो नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। अब बात करेंगे दोस्तों हम कुरुक्षेत्र जिले की, तो कुरुक्षेत्र में कौन कौन से पर्यटन स्थल पाए जाते हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो तो जो है अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें क्या हो आपके द्वारा जो रिस्पॉन्स आए वो मिलता रहे, ठीक है। तो वीडियो को भाई साहब तब की शेयर कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। उसके बाद दोस्तों हम मिलते हैं यहाँ पे पंचकुला में, पंचकुला के बाद कुरुक्षेत्र है, यहाँ बात कर लिया हम कुरुक्षेत्र जिले की। कुरुक्षेत्र जो जिला रहेगा यहां से क्वेश्चन ये आता दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन से पर्यटन है? सबसे पहला रहेगा यहाँ पे कौन सा? ज्योतिसर पर्यटन स्थल, ज्योतिसर पर्यटन स्थल, ज्योतिसर पर्यटन स्थल कहां स्थित है? कुरुक्षेत्र में। यहां से क्वेश्चन ये निकलता है कि जो ज्योतिसर पर्यटन स्थल है वो किस नदी के किनारे? यह सरस्वती, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ज्योतिसर के बाद नंबर टू, कुरुक्षेत्र के पीपड़ी में, कुरुक्षेत्र के पीपड़ी में एक पक्षियों का एक अभयारण्य कह सकते हैं, पैराकीट, कुरुक्षेत्र के पीपड़ी में पक्षियों के लिए अभयारण्य है जिसका नाम रहेगा पैराकीट पर्यटन स्थल, ठीक है, पैराकीट पर्यटन स्थल।
उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन हो रहता है, यहाँ पर और क्या है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, नील क्रांति, ठीक है, नील क्रांति रहेगा यहाँ पे नंबर थ्री रहेगा क्वेश्चन के अंदर, नील क्रांति बंद, ठीक है, एक ये रहेगा। कौन कौन से हो गए, ज्योतिषर पेटिल हो गया, नंबर टू हमारा पीपड़ी के अंदर पैरा किट हो गया, उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, नील क्रांति बांध हो गया जो कि कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। तो कुरुक्षेत्र से यहां से ये तीन बातें निकल के सामने, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट जिले की तरफ, पहले क्या कीजिए इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अच्छा जी, कहां की बात कर ली हमने, हमने बात की दोस्तों यमुना नगर की, फिर हमने बात की पंचकूला की, उसके बाद अंबाला की, फिर कुरुक्षेत्र की, करनाल की। तो करनाल में क्या रहेगा, करनाल में मैं यही इंडिकेट करता हूं, देखो करनाल में यहां इंडिकेट, देखो जितनी ज्यादा जानकारी होगी ना उनको अपन याद नोट कर देंगे, अगर थोड़ी थोड़ी जानकारी उनको क्या काम करेंगे, जिलेवार स्टडी कर देंगे आगे, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं हमें करनाल, करनाल में सबसे फेमस झील रहेगी कर्म झील, सबसे फेमस झील है कर्म झील या फिर ओसियस, या फिर ओसियस, ठीक है, कर्ण झील या फिर ओसियस रहेगा हमारा कहां पर, करनाल के अंदर। उसके बाद दोस्तों फिर हम बात करते हैं इसकी पानीपत की, पानीपत में क्या क्या है, तो पानीपत में रहेगा दोस्तों क्या, स्काई लार्क, स्काई लार्क, और यहां से क्या क्वेश्चन बनता है, यहां से काला आम, काला आम। आपसे पूछे जो हरियाणा के अंदर तीसरा वर्ल्ड वार, जो तीसरा वार हुआ था, याद है हरियाणा का जो तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को, 14 जनवरी 1761 को वो हरियाणा के काला आम पे हुआ था, याद है किन किन के बीच हुआ था, याद है दोस्तों, क्या अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, याद है दोस्तों सदाशिव राव और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें कौन विजय हुआ था, मराठे क्या हुए उसमें, मराठे हार गए थे ना उसमें, तो दोस्तों 14 जनवरी 1761 को हुआ था काला आम के अंदर, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन आता रहता है। पानीपत में और क्या है, पानीपत में और है दोस्तों हमारे यहाँ पे ब्लू जे, ब्लू जे, ये तीनों के तीनों पर्यटन स्थल कहां मिलेंगे हमारे को, साईलाल की बात करें, काला आम की बात करें और बात करते हैं ब्लू जे की, ये तीनों पर्यटन स्थल रहेंगे दोस्तों हरियाणा के पानीपत में, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों सोनीपत की, सोनीपत में अगर आपको कोई, सोनीपत के लिए क्या रहेगा आपके लिए एक मतलब की क्वेश्चन रहेगा, आपको अगर सोनीपत के बारे में कोई मतलब की पर्यटन स्थल मालूम है तो उसका आंसर आप क्या काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, हम आपके जो आंसर का वेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सोनीपत के अंदर। उसके बाद दोस्तों फरीदाबाद में काफी कुछ है, फरीदाबाद की जानकारी हम यहां नोट करेंगे, तो यहां देखिए फरीदाबाद के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों फरीदाबाद क्या रहेगा यहां पे, फरीदाबाद में रहेगा दोस्तों नंबर वन सूरजकुंड झील, सबसे फेमस झील है सूरजकुंड झील, लिख लीजिए इसे, और ये क्वेश्चन 100% छपता है सूरजकुंड वाला, सूरजकुंड झील ये कहां पर स्थित है, फरीदाबाद में। यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया था दोस्तों तोमर शास्त्र ने करवाया था, यहां से क्वेश्चन बनते क्या क्या टाइटल क्वेश्चन यहां से ये बनेगा, इसका निर्माण तोमर शास्त्र, यहां से ये भी आ सकता है, ये ना आया तो क्या आएगा, अगर ये ना आया तो क्या आया, या फिर ये आएगा अनंतपाल द्वितीय, अनंतपाल द्वितीय, अगर ये भी आया तो क्या आएगा, तो आएगा सूरजमल। तो यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों क्या, कि हरियाणा में जो सूरजकुंड झील है उसका निर्माण किसने करवाया था, उसका निर्माण करवाया था दोस्तों तोमर शासकों ने, तोमर शासकों ने आया तो अनंतपाल द्वितीय आ जाएगा, और अनंतपाल द्वितीय भी ना आया तो क्या आ सकता है, सूरजमल आ सकता है। तो यहां से ये क्वेश्चन डेफिनेटली सकता चलता है दोस्तों हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर सूरजकुंड की बात आई है तो हरियाणा में सूरजकुंड मेला लगता है, फरीदाबाद में लगता है ना दोस्तों, तो इस बार जो 2020 में था, 2020 में वो कितने नंबर लगा था, 2020 में लगा था हरियाणा में 34वें नंबर का, ठीक है,
हरियाणा में जो 2020 में कौन सा लगा था, 34वें नंबर का लगा था। और यहाँ से क्वेश्चन एचएसएससी जो जरूर पूछता है, एक तो ये क्वेश्चन पूछता है कि स्टेट कौन सी थी, ठीक है, एक ये पूछता है कि थीम कंट्री, मतलब कि थीम स्टेट और थीम कंट्री, दो क्वेश्चन यहाँ से एचएसएससी जरूर पूछता है और 100% पूछता भी रहेगा। तो यहाँ से बात करें 34वें की, तो दोस्तों अगर 34वें के अंदर कब हुआ था, 2020 में, ठीक है। फिर यहाँ से क्या पूछेगा दोस्तों, ये जो 34वां हुआ था ये मतलब कि थीम स्टेट थी इसमें हिमाचल प्रदेश, कौन था, थीम स्टेट थी हिमाचल प्रदेश। अगर पूछे कंट्री तो इसमें था दोस्तों उज्बेकिस्तान कंट्री थी, ठीक है, उज्बेकिस्तान कंट्री थी। ये दोस्तों क्वेश्चन आड़े आड़ा 100% लिख के ले लो, क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, क्या थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश और थीम कंट्री क्या थी, उज्बेकिस्तान। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जो 2020 में एयर बड़ा सूरजगढ़ में एयरक्राफ्ट हुआ था, जो मेला हुआ था, इसमें अन्य कितनी कंट्रियों ने भाग लिया था, तो लगभग 40 कंट्रियों ने इसमें भाग लिया था, लगभग 40 कंट्रियों ने, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है, चलो ये तो बात होगी 2020 की, तो सर 2021 की बता दो, सर 2021 में क्या रहेगा, 2021 की बात करें तो दोस्तों 2021 में क्या होगा, 2021 में क्या था, कोरोना का टाइम चल रहा था और कोरोना के टाइम में क्या था, थीम स्टेट तो आ गई लेकिन थीम कंट्री को शामिल नहीं किया गया, ठीक है, क्योंकि हमने क्या था कि अदर स्टेट से या अदर देशों से हमारे इंडिया में आने की परमिशन नहीं थी ना, क्योंकि कोरोना चला हुआ था, इसलिए क्या था कि सारी कंट्रियों में क्या हुआ था, मतलब कि एयर वगैरह जो लाइन थी वो सब बंद कर दी थी। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण ये हुआ कि ओनली मतलब कि थीम स्टेट को राजस्थान को रख दिया, ओनली थीम स्टेट को राजस्थान को रख दिया, लेकिन अदर कंट्री को क्या किया, शामिल नहीं किया गया इसमें। तो यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि थीम स्टेट कौन सी थी 2021 में, राजस्थान। क्लियर हुआ दोस्तों। और क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि जो सूरजगढ़ मेला लगता है वो मतलब कब से कब लगता है, तो दोस्तों ये लगता है लगभग 1 से 15 फरवरी को, 1 से 15 फरवरी को जो है सूरजगढ़ मेला लगता है, फरीदाबाद में लगता है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। अच्छा जी, एक बात और निकल सकती है कि सूरजकुंड झील को क्या कहते हैं, मतलब यहां से पूछना आता है कि उगते हुए सूर्य के नाम जो नाम से जो प्रसिद्ध झील है, उगते हुए सूर्य के नाम से जो प्रसिद्ध झील है वो कौन सी है, सूरजकुंड झील है। क्लियर हुआ दो, उगते हुए सूर्य के नाम से जो प्रसिद्ध झील है वो है सूरजकुंड झील, ठीक है। तो इतना जो डाटा था उसे नोट कीजिए और मैं गारंटी से कहता हूँ भाई साहब, इस वाले चैप्टर में से और इस वाले टॉपिक में से क्वेश्चन चपता ही चपता है, ठीक है, चलो नोट करो इसको, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, फरीदाबाद में एक तो बात कर ली सूरजकुंड झील की, और क्या कुछ है, मतलब कि और क्या कुछ है इसके अंदर फरीदाबाद में, अरावली के गोल्फ मैदान, यहां लिख लीजिए नंबर 2, अरावली के गोल्फ मैदान। फरीदाबाद की बात कर रहे हैं, फरीदाबाद की अरावली के गोल्फ मैदान। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 मैगपाई, और यहां से पूछा जा सकता है बड़खल झील, ये बहुत पूछता है हरियाणा में, एक बार 2018 में एक ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था हरियाणा में, 2018 में एक ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, वहां से बड़खल झील से पूछा आया था कि बड़खल झील जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है, और सिंचाई परियोजना के लिए यहां से क्वेश्चन देखो दोस्तों, बड़खल झील से, बड़खल झील से क्वेश्चन क्या निकलता है, एक तो यहां से ही निकलता है कि ये कहां पर स्थित है, तो दोस्तों फरीदाबाद के अंदर। फिर यहां से ये क्वेश्चन निकलता है कि जो बड़खल झील है वो मतलब कि जो बड़खल झील रहेगी दोस्तों वो हरियाणा के अंदर क्या रहेगी, तो सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना के लिए प्रसिद्ध झील, ठीक है, सिंचाई परियोजना के लिए प्रसिद्ध जो झील रहेगी वो कौन सी रहेगी, बड़खल झील रहेगी। क्लियर हुआ दोस्तों। अच्छा, बड़खल झील के बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, बड़खल झील के बाद एक क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों नंबर 5 लिखिए, म्यूर झील, म्यूर जो झील है ना दोस्तों वो भी कहां पर है, वो भी बड़खल झील के पास ही स्थित है, ठीक है, बड़खल झील के पास स्थित है म्यूर झील, कहां रहेगी, फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद से मैंने 5 बातें बताई और क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली सफेद हरियाणा में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पहले क्या काम कीजिए इसको नोट कीजिए, फिर मिलते हैं आगे वीडियो में। पलवल की बात करेंगे दोस्तों, फरीदाबाद की बात कर ली, पलवल में, पलवल में एक रहेगा डबचिक पर्यटन स्थल, ठीक है, कौन सा रहेगा, डबचिक पर्यटन स्थल, याद लिख रहा हूं पलवल का, तो ये है दोस्तों डबचिक पर्यटन स्थल, ठीक है, पलवल से लिख रहेगा
गुरुग्राम से, भाई साहब गुरुग्राम से बहुत क्वेश्चन लगते हैं हरियाणा में, गुरुग्राम से बहुत क्वेश्चन लगते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे गुरुग्राम से, तो नंबर वन देखिए गुरुग्राम से क्या आएगा, नंबर वन आएगा सोहना कुंड, सोहना कुंड जिसे शिवा कुंड या फिर शिला कुंड भी बोल देते हैं, क्या शिवा कुंड या फिर शिला कुंड। क्वेश्चन यहां से ये आता है दोस्तों कि गर्म पानी के चश्मे कहां स्थित है, गर्म पानी के चश्मे के लिए क्या प्रसिद्ध है, तो गर्म पानी के चश्मे के नाम से भी जाना जाता है सोना कुंड को, लिख देता हूं यहां पे गर्म पानी के चश्मे के लिए क्या प्रसिद्ध है सोना कुंड, कहां है गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहां से क्वेश्चन आएगा कि जो सोना कुंड है वो कहां है, अरावली की पहाड़ियों में स्थित है ये वाला, कहां पे अरावली की। अगर पूछे शिवालिक तो शिवाला जो शिवालिक है दोस्तों, शिवालिक आ गया हमारा पंचकुला के अंदर, कहां पर पंचकुला की जो मोरनी की जो पहाड़ियां है वो कहां पर है शिवालिक में स्थित है। और पूछे दोस्तों ये गुरुग्राम रेवाड़ी वाला जो है ना ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा कौन सा अरावली वाला, ठीक है। ऊपर पूछे तो शिवालिक, नीचे पूछे तो अरावली। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों, सोना कुंड की बात करते हैं यहाँ पे हम, नंबर टू दमदमा झील, दमदमा झील, और ये वाला क्वेश्चन भी HSSC पूछ चुका है, हरियाणा में 2018 में पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उसमें दमदमा झील के बारे में क्वेश्चन जरूर रहा था कि दमदमा झील कहाँ स्थित है, तो गुरुग्राम है दोस्तों। ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ी झील है हरियाणा के अंदर, सबसे बड़ी झील कौन सी है, दमदमा झील जो है हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा, सुल्तानपुर पक्षी विहार, सुल्तानपुर पक्षी विहार, तो हरियाणा में दो ही पक्षी विहार है, एक सुल्तानपुर हो गया एक यमुनानगर के अंदर कालीसर हो गया, ठीक है। एक हमारा कौन सा हो गया सुल्तानपुर हो गया जो कि गुरुग्राम में है, और दूसरा कौन सा हो गया जो यमुनानगर के कालीसर में है, ठीक है दोस्तों। नंबर चार देखिए यहाँ पे और क्या बात हो सकती है गुरुग्राम से, पहला सोना कुंड आ गया, दमदमा झील आ गया, सुल्तानपुर आ गया, और बताओ दोस्तों, और शीतला माता का मंदिर, जो शीतला माता का मंदिर है ना वो भी अच्छा खासा पर्यटन स्थल है शीतला माता मंदिर। तो ये जो डाटा था दोस्तों वो था हमारा गुरुग्राम से, और सबसे पहली जो मेट्रो आई थी वो भी कहां पे आई थी, लगभग 2010 के समीप आई थी, 2010 के आसपास आई थी, कौन सी जो मेट्रो थी गुरुग्राम के अंदर आई थी, ठीक है। अच्छा गुरुग्राम के बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम कहां पे, हम बढ़ेंगे रेवाड़ी की तरफ, तो पहले क्या काम कीजिए इसको नोट कीजिए, मिलते हैं वीडियो में आगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम कहां पे रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी में क्या रहेगा दोस्तों, देखिए यहां बात करता हूं रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी में एक तो रहेगा जंगल पॉपुलर, जंगल पॉपुलर, और क्या रहेगा सैंड पाइपर, और क्या रहेगा दोस्तों, और रहेगा हमारा हीरो होंडा। तो ये कहां पर है रेवाड़ी में, जंगल पॉपुलर, सैंड पाइपर और हीरो होंडा, ये सभी की सभी जो पर्यटन स्थल है वो कहां रहेंगे दोस्तों, वो रहेंगे हमारे हरियाणा के रेवाड़ी जिले में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आप चरखी दादरी में, चरखी दादरी में क्वेश्चन आता है डैरगो, डैरगो पर्यटन स्थल कहां स्थित है, डैरगो पर्यटन स्थल रहेगा हरियाणा के चरखी दादरी में, ठीक है दोस्तों। भिवानी से कुछ नहीं आता है, भिवानी से कुछ नहीं आता है दोस्तों कि लोहारू पर्यटन स्थल, लोहारू पर्यटन स्थल भिवानी के लोहारू में स्थित है, ठीक है। जो लोहारू पर्यटन स्थल है वो भिवानी के लोहारू में स्थित है, क्लियर हुआ दोस्तों। अच्छा जी उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे इसार की, इसार में क्या है दोस्तों, इसार में रहेगा हमारा ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड और जिंदल पार्क, ठीक है। ब्लू बर्ड की बात करें, जिंदल पार्क की बात करें, ये कहां रहेंगे हमारे हिसार के अंदर रहेंगे दोस्तों, ठीक है। हिसार के बाद बात करें कहां पे, फतेहाबाद में, फतेहाबाद में रहेगा पपीहा पर्यटन स्थल, पपीहा पर्यटन स्थल, पपीहा कहां रहेगा फतेहाबाद में। और फतेहाबाद के बाद बात करेंगे कहां पे, सिरसा में, तो दोस्तों यहां बात कर लेते हैं सिरसा में, सिरसा में रहने वाला है दोस्तों नंबर वन लिखिए शिकारा पर्यटन स्थल, शिकारा पर्यटन स्थल, और नंबर टू लिखिए यहां पे कौन सा रहेगा, ओटू हेड बैराज, ओटू हेड
ये कहाँ बना हुआ है दोस्तों? ओटू हेड जो बैराज है ना वो सिरसा के ओटू हेड में बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहां से क्वेश्चन आता है यहां से, और आपको पता होगा सिरसा के जो अबूब शहर में काला तीतर पाया जाता है ना, काला तीतर जो है सिरसा के अबूब शहर में पाए जाते हैं। उसके बाद यहां से क्या आता है अबूब शहर प्रेडेटर, क्या मिलते हैं यहां पे? यहां मिलते हैं काला तीतर। अच्छा दोस्तों उसके बाद कौन सा रहेगा हमारा जीन, जीन में क्या मिलते हैं पता कुछ? जीन में जिसे हरियाणा के दिन कहते हैं, अरे हरियाणा की दूध नगरी भी जीन है। जीन में क्या मिलते हैं कुछ ध्यान में बताओ? तो जीन का क्या करना, एक मैंने क्या कहा था आपको, एक कहा था मैंने आपको पूछा अपने यहां पे था एक कौन सा ये करनाल का सॉरी सोनीपत का, सोनीपत का मैंने आपको यहाँ पे भर के पूछा गया। एक आप जींद का ऑप्शन दूंगा, जींद का भी मेरे को क्या करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, एक तो जींद का और एक कहा आएगा सोनीपत का, ठीक है। हम आपको इसका जो आंसर है या फिर आपके द्वारा जो हमारा आंसर आएगा उसको हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें जरूर शेयर करेंगे। तो याद रखिए कमेंट जरूर करना इसका, ठीक है। अगर आपका जो कमेंट होगा वही हमें बता पाएगा और हम आपको उसके विचार आगे बता पाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, कैथल की। कैथल में क्या मिलता है कोयल, कैथल में बात करें तो कोयल प्रेटेंसल, ठीक है। कैथल में रहेगा कोयल प्रेटेंसल। कैथल के बाद कुरुक्षेत्र में बता चुका हूँ दोस्तों आपको रोहतक, रोहतक में क्या है तिलियार झील, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे रोहतक में तिलियार झील, तिलियार झील, ठीक है। रोहतक में रहेगा दोस्तों तिलियार झील। झज्जर में, झज्जर में क्या है बताओ? झज्जर के बहादुरगढ़ में, झज्जर के बहादुरगढ़ में एक पर्यटन स्थल है उसका बताओ मैं नाम। झज्जर के पर्यटन स्थल जो है, झज्जर के एक बहादुरगढ़ के अंदर एक पर्यटन स्थल है उसका नाम बताइए हमारे जल्दी, झज्जर के बहादुरगढ़ में। तो दोस्तों ये हमारे सामने जो आज के पर्यटन स्थल थे हरियाणा के अंदर, कौन सा पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है उसके बारे में हमने आज बात की आपको, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और मैंने जो आपको दो क्वेश्चन पूछे हैं उसका जो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में, एक तो सोनीपत में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है और कौन सा जींद के अंदर कौन सा पर्यटन स्थल जो है वो स्थित है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं वीडियो में एक और अच्छी और बेहतरीन और जबरदस्त कंटेंट के साथ, और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई साहब, तभी नोटिफिकेशन मिलेगी भाई, ठीक है। तो किसी ने सोचा है एक शायर हुए हैं उन्होंने कहा था कि रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास जल समंदर भी आएगा। क्या कहा है कि रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास जल समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ के मंदिर मुसाफिर, थक के ना बैठ के मंदिर मुसाफिर, मंदिर भी मिलेगी और मंदिर का मजा भी आएगा, ठीक है। तो किसी ने सच कहा है कि जब तक मेहनत नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला, सब कुछ मेहनत भी है। तो भाई साहब यही बात कहूंगा, मेहनत करते रहो जिंदगी में, संघर्ष करते रहो, संघर्ष के साथ ही लड़ाई आगे जिंदगी में है, ठीक है। जिंदगी जीनी है तो संघर्ष करना सीख जाओ, जिंदगी बहुत अच्छी बीत जाएगी आपकी। उसके बाद दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जब भाई साहब दब के शेयर कर दो, दब के, ठीक है, और सब्सक्राइब करो बढ़िया वाला। उसके बाद मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, मिलते हैं, तब तक देखते रहे इंडिया मैप 365 के अंदर हरियाणा जीके विद विकास कुमार। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।